गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजी क्लास में आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जिसे हिंदी में हम कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कोशिका चैप्टर में बताया कि हम सभी का जो शरीर है, दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनका जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है, और इन कोशिकाओं में एक से दो बनने की क्षमता पाई जाती है। मैंने कहा कि मान लीजिए ये सेल है और इस एक सेल ने डिवीजन करके कितनी सेल्स बना ली, दो। तो एक सेल से दो सेल बन गई और प्रक्रिया कहलाई सेल डिवीजन, यानी कोशिका का विभाजन। दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और इसी वजह से उनके शरीर में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि एक छोटे से बच्चे के अगर हाथ के आकार को हम देखें तो वो हमें इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, और यही बच्चा जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ का आकार कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यानी आपने देखा कि आकार में वृद्धि हुई, और ये आकार की जो वृद्धि है वो किस वजह से संभव हुई, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की वजह से। चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, सभी के शरीर में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। अगर ये प्रक्रिया एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स में हो रही है तो इसे हम जन्म के नाम से जानेंगे। इसका भी एग्जाम्पल है कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक अमीबा बनाया मैंने। अब अमीबा में अगर इसकी सेल डिवाइड हो जाती है और एक सेल से दो सेल बना लेती है तो आप देख सकते हैं कि दो अमीबा बन गए। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म। तो मतलब क्या निकला कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें अगर सेल डिवीजन होगा तो रिप्रोडक्शन यानी जन्म की प्रक्रिया होगी। दूसरी तरफ जो मल्टीसेलुलर एनिमल हैं यानी बहुकोशिकीय जंतु हैं, इनमें अगर सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, वृद्धि की प्रक्रिया होगी। तो सेल डिवीजन क्या हुआ, द डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल इंटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज सेल डिवीजन। किसी एक कोशिका का दो समान भागों में बट जाना कोशिका विभाजन कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस ये दो अलग अलग क्रियाएँ हमारे शरीर में होती हैं। आपको बता दूँ कि हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जर्म सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स को हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं, और हमारे पूरे शरीर में हमारे हाथ पैर आँख नाक मुंह कान लिवर किडनी पैनक्रियाज, हमारे सारे बॉडी में ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो कौन सी होती है, वेजिटेटिव, और उनमें जो डिवीज़न होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो दूसरे टाइप के सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स यानी कि जनन कोशिकाएं, और उन जर्म सेल्स में जो डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस। माइटोसिस को हम हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, जबकि मियोसिस को हम हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। माइटोसिस को समसूत्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माइटोसिस की प्रक्रिया में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि जो कोशिका डिवाइड होती है उसे हम मदर सेल कहते हैं, और उसके डिवीज़न से जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो एक मदर सेल से अगर दो डॉटर सेल्स बन रही हैं और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के बराबर होती है तो इस डिवीज़न को हम क्या मान लें, माइटोसिस। हिंदी में कहते हैं समसूत्री, सम माने समान और सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि जब गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में भी समान हो तो इस तरह के डिवीज़न को हम समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ कि अगर ह्यूमन की एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 और सूत्रों की संख्या 46, और इसने बनाई जो दो डॉटर सेल्स उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाए, 46, तो इस तरह के डिवीज़न को आप क्या कहेंगे, माइटोसिस। इन्हें हम डिप्लॉयड मानते हैं यानी कि 2n। तो अगर ये सेल 2n की है तो जो दो डॉटर सेल्स बनेगी वो भी कैसी होगी, 2n की होगी। तो आपने क्या देखा कि माइटोसिस डिवीज़न में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन रही हैं और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल के बराबर होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में माइटोसिस डिवीज़न की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को हम डिटेल में पहले देखते हैं, फिर हम उसी बात को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है आप देख सकते हैं कि मैंने दिखाया है कि सेल डिवीज़न दो तरह का है, माइटोसिस एंड मियोसिस। हम बात किसकी कर रहे हैं, माइटोसिस की। और मैंने अभी भी आपको बताया कि माइटोसिस को हिंदी में हम कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इस चार्ट को देखें कि जो माइटोसिस की प्रक्रिया है इसमें दो स्टेप आ रहे हैं। पहले स्टेप में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्र का विभाजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं, और दूसरे स्टेप में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिया ये एक सेल है और ये हो गया सेल का न्यूक्लियस। तो पहले क्या होगा कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा और एक न्यूक्लियस से ये कितने न्यूक्लियस बन गए यहाँ पर दो। तो एक सेल का एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर पहले दो न्यूक्लियस बना है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पूरा हो जाएगा तब इसके बीच में एक सेल प्लेट बन जाएगी। सेल के बीच में क्या बनेगी, सेल प्लेट। अब ये जो सेल प्लेट होगी ये साइटोप्लाज्म, आपको पता है कि सेल में ये सब कुछ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म कोशिका तंत्र। इस सेल प्लेट के बनने से क्या हुआ, आधा साइटोप्लाज्म इधर चला गया और आधा साइटोप्लाज्म इधर आ गया, यानी कि डिवीजन हो गया किसका, साइटोप्लाज्म का, और प्रक्रिया कहलाई साइटोकाइनेसिस। अब इसी तरह से इसी सेल प्लेट के माध्यम से ये दोनों सेल्स अलग हो गई और एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बन गई, दो, और माइटोसिस की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो आपको बता दूं कि माइटोसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से आपने देखा दो चरणों में पूरी हो रही है, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर हम बात कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस तो ये भी हमारे पास दो स्टेप में पूरी होती है, इंटरफेज और एम फेज। कैरियोकाइनेसिस के दो स्टेप हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है और लगभग 75% टाइम इंटरफेज में ही लग जाता है। इंटरफेज की तीन उप अवस्थाएँ हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इनमें क्या होता है, इंटरफेज में मुख्य रूप से कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, आवश्यक प्रोटीन्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, DNA का रेप्लिकेशन यानी ध्रुवणन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं इंटरफेज में संपन्न होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें M फेज की, तो M फेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर चार स्टेजेस लिखी हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है माइटोसिस का, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो एम फेज के चार पार्ट हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इन्हीं सारी बातों को हम इस डायग्राम के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर चार्ट को देखें, डायग्राम को देखें माइटोसिस के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं कलर, हम वन बाय वन समझते हैं। अभी आपको बताया गया कि पहले इंटरफेज आती है जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। तो पहले डायग्राम को हमने इंटरफेज मान लिया। अब तैयारी के लिए कोई अलग से डायग्राम नहीं बन सकता, तो यहाँ पर एक सेल का डायग्राम बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सेल में बाहर की तरफ ये सेल वॉल है, ये अंदर क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला। इसके बाद जो अंदर की गोल रचना आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, और ये है क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन जाल जो कि DNA का बना होता है। तो इंटरफेज में कोशिका ने विभाजन की तैयारी की। अब हम इस डायग्राम से देख रहे हैं कि एम फेज में क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर आपको और बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफेज है, इसके लिए दो डायग्राम बने हुए हैं, मेटाफेज के लिए एक डायग्राम बना है, एनाफेज के लिए फिर से दो डायग्राम बने हुए हैं और टेलोफेज के लिए भी दो डायग्राम बने हुए हैं। किसी में एक डायग्राम और किसी में दो डायग्राम ऐसा क्यों है, तो आपको बता दूँ कि प्रोफेज में दो स्टेप हो रहे हैं। अब दो स्टेप को हम एक डायग्राम में नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, पहले को अर्ली प्रोफेज यानी जो काम पहले हो रहा है उसको अर्ली कह दिया और जो बाद में हो रहा है उसको हमने लेट कह दिया। तो इसी तरीके से जहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दो स्टेप में चीज़ें हो रही हैं और दोनों स्टेप्स को अलग अलग दिखाया गया है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ से प्रोफेज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होता है सेल डिवीजन का। प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट बना लेता है, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं थोड़ी देर के बाद बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। यानी कि दो लाइन्स में अगर मैं बात करूँ तो क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़े क्रोमोसोम्स का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि बाहर की तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर जो न्यूक्लियोलस है ये भी धीरे धीरे डिजनरेट यानी विलुप्त होने लगते हैं। तो प्रोफेज को हम दो लाइन में डिस्क्राइब करेंगे कि क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्रोमोसोम्स बना लेता है और केंद्र कला तथा केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे मेटाफेज की, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मेटाफेज में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल की मिड लाइन पर आकर लग जाते हैं, कोशिका की मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, और एक विशेष प्रकार की रचना आप देख सकते हैं बनी हुई है, ये पोल जैसे बने हैं जिनको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर स्पाइंडल या केंद्र की तर्क। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम्स सेल की मिड लाइन पर आकर लग गए, न्यूक्लियर स्पाइंडल का निर्माण हो गया। अब इस न्यूक्लियर स्पाइंडल में आप देखिए दो तरह के फाइबर मैंने दिखा है, पहले ये जो ब्राउन कलर के फाइबर आप देख रहे हैं जो क्रोमोसोम के बीच में,
आपको पता है कि क्रोमोसोम के बीच में जो गोल भाग होता है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इस बात को मैं आपको अलग से बता दूं कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में ये जो मिडिल पार्ट होता है, दिस मिडिल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का, एक फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ से, और इस फाइबर का नाम क्या है, टैक्टाइल फाइबर। अब आप दूसरे फाइबर को देखें जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, ये बिना कहीं जुड़े एक पोल से दूसरे पोल पर फैला हुआ है। आप इसे एक पोल मान लें, इसे दूसरा पोल मान लें, तो सपोर्टिंग फाइबर आप देखिए बिना कहीं जुड़े हुए फैले हुए हैं, जबकि टैक्टाइल फाइबर जो है वो जुड़े हुए हैं कहाँ से, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से। तो इस तरह से मेटाफेज स्टेज में हमने क्या देखा, इसकी हम समरी आपको बताते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर आकर अरेंज हो जाते हैं, न्यूक्लियर स्पाइंडल का निर्माण हो जाता है जिसमें दो प्रकार के फिलामेंट या दो प्रकार के फाइबर होते हैं। पहले फाइबर टैक्टाइल फाइबर हैं जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरे वाले फाइबर सपोर्टिंग फाइबर हैं जो बिना कहीं जुड़े एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैले रहते हैं। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स अगली स्टेज, दैट इज एनाफेज। एनाफेज विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, और इस अवस्था में वो सूत्रों के बीच में रिपल्शन का मतलब प्रतिकर्षण होता है। आपको यहाँ पर समझा दूँ कि आप सपोज करें कि ये क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, एक टैक्टाइल फाइबर इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक टैक्टाइल फाइबर इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, क्या नतीजा होगा, ये बीच से फट जाएगा। अब इसके बीच से फटने की कंडीशन को हम कैसे दिखाएंगे, पहले तो हमने सेंट्रोमियर को दो पार्ट में डाल दिया, उसके बाद इस तरह से हमने इसे दिखाया, मतलब ऊपर से भी खींच रहा है, नीचे से भी खींच रहा है, दोनों तरफ से खिंचाव पड़ रहा है, तो ये बीच से इस तरीके से फट गया। तो आपने ये जो चार स्टेजेस आप देख रहे हो चार क्रोमोसोम्स की, ये क्या दिखाया गया है कि बीच से क्रोमोसोम फट रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, टैक्टाइल फाइबर अपनी अपनी तरफ इनको खींच रहे हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स बीच से फट गए और अलग अलग पोल्स पर चले गए, आधे ऊपर की तरफ और आधे नीचे की तरफ। तो एनाफेज में आपको क्या लिखना है कि यह विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, इसमें क्रोमोसोम्स के बीच प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है जिससे वे बीच से फटकर विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। अब आती है आपकी लास्ट स्टेज, दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज में हमने दो डायग्राम बनाए हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स थे जो अपोजिट पोल्स में चले गए, ये एक इधर आ गए और थोड़े इधर आ गए, इन्होंने फिर से कंडेंस्ड होना शुरू कर दिया, संघनित होना शुरू कर दिया, चूँकि ये बने थे क्रोमैटिन जाल से, इसलिए फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाएंगे, यानी क्रोमैटिन जाल के रूप में आ जाएंगे। तो ये जो विपरीत ध्रुव पर पहुंचे हुए क्रोमोसोम्स हैं, ये पुनः संघनित होकर क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेंगे, दोनों तरफ क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इनके चारों तरफ केंद्रक कला और केंद्रक दोनों तरफ फिर से बन जाएगी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों पोल्स पर एक एक केंद्रक का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो टेलोफेज में क्या हुआ कि इस अवस्था में विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे हुए क्रोमोसोम्स पुनः कंडेंस्ड होकर संघनित होकर क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेते हैं, इनके चारों तरफ केंद्रक कला और केंद्रिका पुनः बन जाती है, और एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण पूरा हो जाता है, और इसी के साथ खत्म होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया। तो आपने देखा कि इंटरफेज से लेकर और टेलोफेज तक हमने इस बात को बताया। अब आती है हमारी दूसरी स्टेप, दैट इज साइटोकाइनेसिस, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले ये जो कोशिका है इसमें पाए जाते हैं गाल्जी बॉडीज। हम सभी जानते हैं कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है गाल्जी बॉडी, इसके बारे में डिटेल जाननी हो तो मैंने सेल पर जो वीडियो बनाए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो गाल्जी बॉडी जो होते हैं वो सेल की मिड लाइन पर आकर लगने लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल की जो मिड लाइन है, मध्य रेखा है, इस पर बहुत सारे गाल्जी बॉडीज आकर लग गए और इन्होंने एक प्लेट बना लिया, जिस प्लेट को हम कहते हैं सेल प्लेट। ये सेल प्लेट क्या कर रही है कि जो साइटोप्लाज्म अंदर भरा है उसको आधा आधा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो सेल प्लेट की वजह से प्रक्रिया क्या हो गई आपकी, साइटोकाइनेसिस। आपको लेट टेलोफेज वाले डायग्राम में ही साइटोकाइनेसिस को भी दिखा देना है। तो ये दोनों डायग्राम टेलोफेज के भी हो गए और बाद वाला डायग्राम आपका किसका हो गया, साइटोकाइनेसिस का भी हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेल प्लेट के माध्यम से आपका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये जो सेल प्लेट होती है यही इस सेल को दो पार्ट्स में बांट देती है और फाइनली यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो आपने क्या देखा कि जो माइटोसिस की प्रक्रिया थी उसमें एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बन जाती हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के बराबर होती है। ओके, तो अब मैं पूरी प्रोसेस को एक बार समराइज करके आपको बता देता हूँ।
माइटोसिस डिवीजन की खोज 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने बताया कि माइटोसिस की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली काई कोशिकाएं यानी वेजिटेटिव सेल्स में होती है, जिनमें एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। माइटोसिस की प्रक्रिया में बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के बराबर होती है। माइटोसिस की प्रक्रिया दो प्रमुख चरणों में पूरी होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के दो अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और एंड फेज। इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है और जिसमें लगभग 75% समय लगता है। इंटरफेज की तीन उपअवस्थाएं होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, जबकि M फेज की चार उपअवस्थाएं होती हैं, रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलो फेज। सबसे पहले मैं बात करूँगा अगर इंटरफेज की, तो इस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इसके बाद प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और गुणसूत्र बना लिए। केंद्रक कला और केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त हो गई। मेटाफेज में इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। न्यूक्लियस स्पाइंडल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसमें दो प्रकार के फाइबर होते हैं, टेक्टाइल फाइबर और सपोर्टिंग फाइबर। इसके बाद एनाफेज, एनाफेज विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और इससे गुणसूत्र बीच से फटकर अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। टेलोफेज, टेलोफेज में अलग अलग ध्रुवों पर पहुंचे हुए क्रोमोसोम्स पुनः संघनित होकर क्रोमैटिन नेटवर्क में बदल जाते हैं। इनके चारों तरफ केंद्रक कला और केंद्रिका यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पुनः बन जाता है और एक केंद्रक से दो केंद्रक बनने पर कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद सेल में पाए जाने वाले गाजी बॉडीज सेल की मल्टीपल लाइन पर आते हैं और बना लेते हैं सेल प्लेट। इस सेल प्लेट से साइटोप्लाज्म भी दो समान भागों में बट जाता है और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। इस तरह से आपने देखा, इसी सेल प्लेट के माध्यम से एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं और माइटोसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन की, जिसमें एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे की वीडियोज़ आप किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।